खुशी की खबर है अच्छे और मैं बहुत दिलों अच्छा लग रहा है और मैं आस करती हूँ कि असं इस तरह ही महीने कम से कम एक बार या दो बार मिलते रहेंगे। कि इत्थे जदों असी सीगे एक कमरा सी, जदों मेरा ख्याल अवतार जी हुणी आए तो चार कमरे बन गए सीगे। पिछे टोबा हुंदा सी, टोबे च सप्प हुंदे सी जदों असी पढ़े आ। मैडिकल च साढ़े कुड़ियां हुंदियां सी, भैणां हुंदियां सीगियां, वह भैं मेरी रोटी खा जाती सी, मैं उन्हों की खा जाता सी। ये शरारत साढ़े चलदिया रहिंदिया सी, भैन भरावां दा रिश्ता सी। उस तो बाद मैं कहा सी कि मैं तो जी ए क्लास च रहना नहीं, मैं स्कूल दी बहुत ज़्यादा देना। इतने स्कूल च पढ़ के कोई IAS PCS वकील डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्कूल ने नाम कटिया। मैं भी ए क्लास च हुंदा सी और मैनू तक्के नाल टीचर्स ने खिच के मैडिकल दवाया सी जी। मेरा अंदाजा है कि सब तो छोटी उम्र का इत्थे मैं ही सीगा जिथे मैनू इन्ना वड्डा सत्कार मिलिया। इत्थे उन्हां नूं सत्कार दिता गया जिहड़े स्कूल दे विचों पढ़ के जिन्होंने समाज दे विच अपना कोई नाम बनाया, कोई वड्डे अहुदे ते पहुंचे, जिन्हां दी समाज नूं कोई देण है। मैं कई साल पहले इतने स्कूल आया से, बहुत चिर बाद आया से, मेरा मन भावुक हो गया से इतने आके। फिर मैं देखा वो सामने कमरे से बैठते होंगे सी, उस टाइम असं जवान होंगे सी, इतों पढ़ के गए। चलो जो परमात्मा ने हुक्म सी ड्यूटी लाई सी वो निभी। अज पनवाय पॉइंट न्यूज़ की टीम पहुंची है सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के विहड़े, जिथे अलमनी मीट कराया जा रहा है। उस तो बाद जिहड़े पुराने स्टूडेंट वख वख खेत्र च वड्डियां मल्लां मारियां ने, सारे इकट्ठे होए ने, ते अज की उलीकिया गया ते अज की इसका मकसद जी, उस दे संबंध च अज असीं गल करदे हां प्रिंसीपल अनीता भारद्वाज नाल। अलमनी मीट कराई गई है जी, सारे पुराने स्टूडेंटों नूं इकट्ठे कीते आ, ते जिहड़े वख वख खेत्र दे विच वड्डा मल्लां मारियां, जिन्हां ने बड़ा नां कमाया ते उन्हां दे नाल स्कूल दा नां भी रोशन कराया। अज इस जिहड़ा मीट तुसीं कराई आ, इसदा की मकसद है जी? सर मेरा एक मकसद है कि स्कूल की बेहतरी लिए आप सारे मिल के, तो इनू जिवें असी स्मार्ट स्कूल स्कूल ऑफ एमिनेंस है वो असी खुद ही कर सकते हैं। तो मैनू सिर्फ तुहाडे सहयोग की तुहाडे तजर्बे की जरूरत है, क्योंकि तुसी गाइडलाइंस देने वाले हो, तुसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड सारे जिहड़े मेरे मैंबर्स आए हैं किते किते उच्चे उच्चे अहुदियां ते हैं। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश कर सकती हूँ कि और वादा करती हूँ कि इहो जी मीट आपां करते रहिए, सो दैट सारियां नूं एक मौका मिले स्कूल नूं जानन दा, क्योंकि इलाके का सब तो बड़ा स्कूल है। अज इस तरह की मीट मैडम पहली बार हुई है, थानू किवें लग्या? जिवें पुराने स्टूडेंट इत्थे आए हैं, कई बजुर्ग भी हो गए, कई उभर रहे हैं जी, कई आप अपने खेत्र च वड्डा नाम भी कमा रहे, किवें लग्या तुहानू? सर मैनूं बहुत अच्छा लग्या और मैनूं अज यह लग्या कि ये जिन्ने अहुदेदार हैं ये इसी स्कूल की देन है। और मैनूं अज यह लग रहा है कि ये चाहे मेरे तो एज किन्ने बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, लेकिन सारे दे प्रिंसिपल इस टाइम मैं ही अपने आप ही समझ रही सी। तो मैनूं ये लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिथे असं आके सब शेयर कर सकते हैं। और मेरी अखां च दो बारी पानी भी आया जदों तुसीं अपने एक्सपीरियंस दस रहे सी, क्योंकि तुसीं स्कूल नूं उदों तो जानते हो जदों शायद सानूं इस स्कूल का कोई जिक्र भी नहीं सी। तो ये एक बड़ी मतलब मेरे लिए खुशी की खबर है अज, और मैनूं बहुत दिलों अच्छा लग रहा है और मैं आस करती हूँ कि असं इस तरह ही महीने कम से कम एक बार या दो बार मिलते रहिए। बहुत अच्छा लगे मैडम नूं सारयां नूं इकट्ठे करके, तो मैडम ने बड़ा मैं माण महसूस किया कि जिहड़े पुराने स्टूडेंट आ बड़े उच्चे अहुदियां ते पहुंचे आ ते वड्डे वड्डे नां कमाया, उन्हां दे अज प्रिंसीपल बन के बहुत अच्छा लग्या। मैडम ने अपने जिहड़े दिल दीआं भावनावां उह सानूं दस्सिया, ते हुण मैं गल करांदा साडे स्कूल दे बहुत पुराने जिहड़े विद्यार्थी रहे आ एडवोकेट किरणजीत पासी जी नूं। साडा बनूड बहुत ही पहुंचा होया बंदा सिंह बहादुर तों बाद इह घटदा चला गया। ये तहसील रही पहला जदों पंजाब डिस्ट्रिक्ट हुंदा सीगा, असी सुनदे सी और स्कूल दे उत्ते बकायदा तहसील बनूड लिखिया हुंदा सी। जदों असी पढ़न पए उस तो बाद साडे टीचर्स साडे मां बाप तो वध साडे रखे सीगे,
उस टीचर्स अज भी जदों याद आने हैं कि साढ़े वर्गियां नूं इस मुकाम ते पहचान च उन्हां दा बहुत बड़ा देन रही है। और ये स्कूल च असी उदों जिवें अवतार जी पहलां दस रहे सीगे कि इत्थे जदों असी सीगे एक कमरा सी, जदों मेरा ख्याल अवतार जी हुणी आए तां चार कमरे बन गए सीगे। पिछे टोबा हुंदा सी, टोबे च सप्प हुंदे सी जदों असी पढ़े हैं, और सर्दियां च सप्प बाहर बैठदे सी, असी उन्हां कोले बैठदे सी जाके। इदां दे हालात तों ये स्कूल ने तरक्की की। साढ़े जिहड़े पहले प्रिंसीपल साहिबान सोढ़ी साहब हुंदे सीगे, मैडम आए, वह करड़े भी बहुत सी, प्यारे भी बहुत सी। उन्होंने स्कूल नूं काफ़ी देन दित्ती, बल्कि सोढ़ी साहब नूं एक अपने कुत्ते नाल प्यार सी जी, जिहदी समाध भी स्कूल दे पिछे साढ़े टाइम च बनी सी। हुण उह स्कूल जदों असीं इस स्कूल नूं देखदे हां कि असीं पढ़ाई तों भज्जे भी, और इस स्कूल की देन है, साढ़े प्रिंसीपल साहब की देन है, साढ़े स्टाफ की देन है कि असी मुड़ के बच्चे वाले हो के भी वकालत तक पहुँचे। उस दे बावजूद भी साढ़े इकनोमिक्स वाले मैडम होंदे सी, मैं तुसी ABC की गल इत्थे चली सी, तुसी कीती सी, मैं भी ए क्लास च हुंदा सी, और मैनू धक्के नाल टीचर्स ने खिच के मैडिकल दवाया सी जी। पर मैडिकल च साढ़े कुड़ियां हुंदियां सी, भैणां हुंदियां सीगियां, वह भैणां मेरी रोटी खा जांदी सी, मैं उन्हां दी खा जांदा सी, ये शरारतां साढ़े चलदियां रहिंदियां सी, भैण भरावां दा रिश्ता सी। उस तों बाद मैं कहा सी कि मैं तां जी ए क्लास च रहना नहीं। मैडम इकनोमिक्स दे मैडम हुंदे सीगे, कंग मैडम, बड़े सख्त सीगे। एक अरोड़ा मैडम हुंदे सीगे, मेरे याद आ रहे हैं अपने मैडम, कि वह स्विक्स दे सीगे, उन्हां कोले मैं आर्ट च आ गया, और वह मैनू बहुत प्यार करते सीगे। जदों मैं इकनोमिक्स लई तां मैडम कहिंदे नलायक बच्चा है, भी ये हुण सेंस चो आ के मेरे कोले टाइम थोड़ा रह गया, 2 महीने एग्जाम च सीगे, भी ये की करूँगा। वो मैनू टीचर्स ने ही उन्हां दी क्लास च बिठाया, और शाम नूं उन्हां ने जी पढ़ाया यूटिलिटी दे उत्ते। मैं सुन के सवेरे उन्हां ने टेस्ट लिया, मैं यूटिलिटी दे पूरा लिखतिया। मैडम ने मैनू खड़ा करके कहा भी तू दिखा नकल मारी है, मैं मूँह जवानी क्लास नूं सुनाया है। ये सी उन्हां दी देन, और मेरे ते बहुत तवज्जो दित्ती। 2 महीने च मैं फर्स्ट डिवीजन लै के इकनोमिक्स पाया। ये है देन। मैनू प्रिंसीपल साहब भी अज बनूड च जिहड़े गैट टूगैदर करा रहे हैं, इस स्कूल वास्ते हर तरह का उपराला कर रहे हैं, जिवें इन्हां ने कहा है कि असी जो है माइक भी अपने संस्थावां तो अपने भरावां तो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स तो लै रहे हैं, और इस नूं चक रहे हैं। तो मैनू आस है कि ये स्कूल पंजाब का एक नंबर का स्कूल मैडम जी बनाएंगे। मैं सारे पतवंत सज्जना धन्नवाद करदा जिहड़े वख-वख थां तों आ के साडे स्कूल च दर्शन दिते। ये स्कूल बहुत पुराना आ, इस स्कूल की बहुत ज़्यादा देन आ। इत्थे स्कूल च पढ़ के कोई IAS PCS वकील डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस स्कूल ने नाम खटिया। मैं जिहड़े इत्थे पतवंत सज्जन आए मैं सारे धन्नवाद करदा। मैनू बड़ी खुशी हुई है कि मैनू एक नमाणे जी नूं एक बड़ा वड्डा माण बख्शिया, जिहड़ा स्कूल दे विच इन्ना वड्डा फंक्शन होया सीगा। मेरा अंदाजा है कि सब तो छोटी उम्र का इत्थे मैं ही सीगा जिथे मैनू इन्ना वड्डा सत्कार मिलिया। इत्थे उन्हां नूं सत्कार दिता गया जिहड़े स्कूल दे विचों पढ़ के जिन्हां ने समाज दे विच अपना कोई नाम बनाया, कोई वड्डे अहुदे ते पहुँचे, जिन्हां दी समाज नूं कोई देन है। तो मैनू बड़ी खुशी हुई है कि मैनू भी इस जिहड़ी लिस्ट सीगी, जिहड़ी एक सूची तैयार की सीगी स्कूल दे स्टूडेंट की, मैनू बड़ी खुशी हुई कि मैनू भी इत्थे सद्दा दिता गया, मैनू इत्थे मान सम्मान मिलिया। तो असी अपनी टीम वालों वध तो वध कोशिश करांगे कि आप इस स्कूल के नाल जुड़ के रहिए, जिथे जिथे असी अपना योगदान पा सकते हुए असी पूरी कोशिश करांगे अपनी टीम समेत इतों वध तो वध अपनी इत्थे योगदान असी पावांगे। सरदार सिंह चेयरमैन SMC ते मैडम प्रिंसीपल जिन्होंने बहुत वड्डा उपराला किया, पुराने स्टूडेंट्स इकट्ठे करके कितने मिलने का मौका दिता, तो साडियां यादा ताजिया करवाइया। कई बार मैं कई साल पहले इतने स्कूल आया से, बहुत चिर बाद आया से, मेरा मन भावक हो गया से इतने आके। तो मैं देखा वो सामने कमरे से बैठते होंगे सी, उस टाइम असं जवान होंगे सी, इतों पढ़ के गए, चलो जो परमात्मा ने हुक्म सी ड्यूटी लाई सी वो निभी, तो अज अं बुढ़ापे जा पहुँचे। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आ प्रिंसीपल साहब का, चेयरमैन साहब का, जिन्होंने उपराला किया, धन्यवादी हैं। होर खबरां वेखण लई साडे चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करो।